हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिवन। तो सभी बच्चों के लिए जो रीड की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग जो पढ़ाई बिल्कुल रेगुलर नहीं कर रहे हैं या आपने पढ़ाई कम कर दी है जिसकी वजह आपकी एग्ज़ाम डेट है, तो एग्ज़ाम डेट जो है वो आपकी 20 जून है, ये आप सभी को पता है। लेकिन 20 जून का मतलब ये नहीं है कि आपके एग्ज़ाम डेट बहुत ज़्यादा आगे है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप लोगों की एग्ज़ाम डेट है वो कितनी नज़दीक आ गई, क्योंकि अप्रैल जो है देखिए वो पूरा होने वाला है, मई जो है वो आपको मिल जाता है और जून का तो पता ही नहीं लगेगा और आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। तो जो बच्चे ऐसे सोच रहे हैं अभी तो बहुत टाइम है, तो हम थोड़ा सा आराम से कर लेंगे और तैयारी जो है वो थोड़ा बीच में रोक देते हैं, हम बाद में कर लेंगे। लेकिन पढ़ाई जो है वो ऐसी होती है, स्टडी जो ऐसी होती है कि हम बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। तो रीट की जो 70 दिनों की रणनीति है तो उनमें आपको क्या करना है, कैसे अपनी तैयारी जो है वो बना के रखनी है ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको ये ना सोचना पड़े कि काश जो इतना टाइम मिला था उसका मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया होता। तो चलिए इसी बारे में हम बात कर लेते हैं कि आपको कैसे मैनेज करना है अपना टाइम, किस तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट जो है वो ध्यान देने हैं और किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है और एग्ज़ाम टाइम में आप बिल्कुल रिलैक्स होकर और फिर एग्ज़ाम फाइट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि कितने सब्जेक्ट जो हैं वो आप एक दिन में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है आजकल कैसा मौसम चल रहा है, आप लोगों को आलस भी आता है, क्योंकि इन दिनों में ही छात्र जो होते हैं वो क्या करते हैं, दिन में इतनी तेज़ धूप होती है, गर्मी होती है, जिस वजह से वो सोचते हैं कि अब हमें रेस्ट करना चाहिए। लेकिन रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो कैसे मैनेज करोगे आप लोग जिसकी पढ़ाई भी हो सके और आलस के जो दिन हैं वो भी आपको ऐसा लगे कि नहीं आलस के नहीं है, यहाँ पर तो हमें बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक दिन में आप लोग 3 सब्जेक्ट जो है वो पढ़ें, 3 सब्जेक्ट जो है वो एक दिन में जरूर पढ़ें। और वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं तो इसके आप डिसाइड करें कि आपका कौन सा वो सब्जेक्ट होगा जिसे आप पढ़ेंगे एक दिन में, ठीक है। सेकेंड, अगर बात की जाए कि कमज़ोर सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना है आपको, तो कई लोग जो हिंदी बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को चुना है तो इंग्लिश उनकी वीक होती है, तो आपको अब ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। यदि आपको टाइम बहुत मिल गया है तो आप कमज़ोर सब्जेक्ट जो है उस पर कमांड बिठाइए, उस पर ध्यान दीजिए। आपको भी पता है एक एक नंबर से ही बच्चे रह जाते हैं, तो जो कमज़ोर सब्जेक्ट है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। आप इस अप्रैल मंथ में आप उस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि सुबह और शाम ये दोनों टाइम जो हैं वो आप याद करने में निकालें, लर्न करने में निकालें, जो भी फैक्ट होते हैं उनको याद करिए, जो आपने पहले छोड़ दिए थे नहीं याद कर पाए थे, तो उनके लिए आप सुबह और शाम इन दोनों टाइम में आप याद करने का रखिए, क्योंकि आपको पता है सुबह और शाम जो है वो मौसम थोड़ा ठंडा होता है और याद करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा होता है। और दोपहर में क्योंकि आलस आता है, नींद आती है, तो थोड़ा सा रेस्ट करना भी जरूरी है। लेकिन दोपहर में आप क्या करें, नोट्स बनाएं, जिनके नोट्स आप नहीं बनाए हैं उनको आप शॉर्ट नोट्स बनाएं जिससे कि फटाफट से उनकी रिवीजन हो सके एंड टाइम पर, या टेस्ट पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, आलस नहीं आता है, ठीक है। और देखिए तुक्का लगाने का प्रयास जो है, जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमें ये तो नहीं आता है और हम क्या करेंगे एग्ज़ाम टाइम में इसको तो देख लेंगे, इसमें तो कुछ ना कुछ 4 ऑप्शन में से टिक कर ही देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि आपको जो चीज़ लर्न है, जो याद है, उनको तो आप 4 ऑप्शन में से टिक कर देंगे और तुक्का लगाने का प्रयास करेंगे तो ज़रूरी नहीं है हमेशा ही आप तुक्का लगाएं और वो आपका सही बैठे, ठीक है। एक एक नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, तो कंपटीशन कितना ज़्यादा है वो आप भी जानते हैं। तो यहाँ तो बस एक यही बात है कि 150 में से आप कितने क्वेश्चन जो हैं वो लर्न किए हुए हैं, कितने याद किए हुए हैं, तो आपको बिना सोचे समझे वो फटाफट से आप आंसर टिक कर देंगे और जो नहीं आता है वो नहीं आता है।
ठीक है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि जो नहीं आता है तो आप तुक्का लगाने की सोचने लगे। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ऐसे सोचते हैं कि हमारे साइकोलॉजी बहुत अच्छी है, राजस्थान का जीके बहुत अच्छा है हमारा, हिस्ट्री ज्योग्राफी आपकी बहुत अच्छी है और हिंदी अच्छी है, लेकिन इंग्लिश में तो हम तुक्का लगा लेंगे क्योंकि हमें तो इंग्लिश आती नहीं है या हिंदी हमें आती नहीं है तो हम हिंदी में तुक्का लगा लेंगे, बिल्कुल नहीं चलेगा इस बार, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए कि जो बच्चे एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं उनको एक सब्जेक्ट जो है वो बहुत अच्छा लगने लगता है। मान लीजिए कि साइकोलॉजी में आप बहुत ज़्यादा महारत हासिल करने के चक्कर में और क्या करते हैं, बस केवल साइकोलॉजी ही पढ़ते रह जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, साइकोलॉजी भी जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही हिंदी है, उतना ही इंग्लिश है, उतनी ही संस्कृत है और उतना ही आप लोगों का SST सब्जेक्ट है। अब राजस्थान का GK जो है वो आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि किसी न किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना भी चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट इतना भी नहीं होना चाहिए कि बाकी सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिया जाए। सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल समान लेकर चलना है, अदरवाइज आप लोग पीछे रह जाओगे। और 3 सब्जेक्ट तो आपको एक दिन में पढ़ने ही हैं, और जैसे ही वो 3 सब्जेक्ट में आप देख लेते हैं हाँ अब मेरी जो कमांड है वो इन पर बैठ चुकी है, तो उसके बाद और आपके जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनको उठाइए। सभी सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एक बार मैं आपको फिर से ये बात कह रही हूँ। और जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं उन सभी को आप 20 मई तक सभी को कंप्लीट कर लें। 20 मई तक जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, सारे नोट्स को जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं केवल रिविज़न के लिए रखें। जो आपने पढ़ाई की है, बुक से पढ़ाई की है, यूट्यूब चैनल से पढ़ाई की है, उनको सभी को साइड में रख दें। और क्या करना है आपको, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं केवल और केवल उनको देखना है, उनकी रिवीजन करनी है और बार बार उनकी रिवीजन करते हुए जाना है 20 मई से लेकर 20 जून तक, केवल और केवल रिवीजन। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, चाहे आपने नहीं पढ़ पाया हो या आप किसी कारणवश सोच रहे हो कि हाँ मैं ये और कर लेता हूँ, बिल्कुल नई चीज़ जो है वो आपको नहीं पढ़नी है 20 मई के बाद। केवल और केवल क्या करनी है, रिवीजन और टेस्ट पेपर सॉल्व, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हाँ, लास्ट ईयर जो पेपर होते हैं आपके 10 सालों के, उनको आप जरूर सॉल्व करिए, आपको उनसे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इसी तरीके से इन 70 दिनों में आप लोग और भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 2 महीने हैं, इतने जल्दी निकल जाएंगे आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो देखिए 2 महीने ही हैं, 2 साल नहीं है, एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, चिंता ना करें। क्योंकि जब एग्ज़ाम थोड़ा सा आगे हो जाता है, डेट आगे निकल जाती है, तो जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर ली होती है तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ काम जो है वो करना होता है। क्या पता किसी और ने किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए सोच रखा हो कि हमारा रीट का एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम किसी और एग्ज़ाम की तैयारी में भी जुट जाएंगे, तो वो बात ठीक है, लेकिन जो पढ़ाई है वो कभी भी बेकार नहीं जाती है। आप इधर पढ़ाई करते हैं तो आपका दूसरी ओर भी पढ़ाई जो है वो काम आती है। जैसे कि SI का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पटवार का देना चाहते हैं या स्कूल व्याख्याता का देना चाहते हैं, तो रीट में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वहाँ भी आपको फ़ायदा होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल मानिए और इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि सिलेबस जो है वो थोड़ा बहुत ही फेरबदल होता है लेकिन चीज़ें वही रहती हैं। तो आप लोग जो है वो तैयारी में जुटे रहिए, आपका सिलेक्शन जो है वो 100% होगा यदि आपको खुद पर विश्वास है। यदि खुद पर ही विश्वास को खो देंगे तो उसके बाद फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है पहले तो खुद पर विश्वास करिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और डेली आपको सुबह सुबह जैसे ही आप मॉर्निंग में जगते हैं सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि यस, आज मुझे सुबह से लेकर शाम तक ये काम करना है, ये टारगेट है मेरा और इसको मैं करके रहूँगा और मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसी तरीके से मोटिवेट रहिए और अपने आप को खुद पर इतना विश्वास करिए कि जितना आपको अपने ईश्वर पर हो। चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।